हेलो दोस्तों, इस बार भी हमें आपके बहुत सारे ईमेल्स मिले और यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपकी समस्याओं पर जल्द से जल्द रेस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके ईमेल्स में जो भी परेशानी आप हमसे शेयर करते हैं, अगर हमने उनके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और फिर भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप अपने डाउट्स को हमें डिटेल में लिख कर भेज दीजिए। और आज के सेशन के लिए हमने जिस प्रश्न को चुना है, उसमें हमारे व्यूअर ने लिखा है कि उनको अजूस्पर्म्या है। वो जानना चाहते हैं कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज है और क्या वो कभी पिता बन सकते हैं। एजोस्पर्मिया पुरुषों में पाए जाने वाली नपुंसकता की एक समस्या है, जिनमें कि पुरुष के वीर्य में बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं होते। जिन पुरुषों में नपुंसकता की शिकायत होती है, उनमें से 5% को एजोस्पर्मिया होता है। अगर किसी को एजोस्पर्मिया की शिकायत है, तो उनके शुक्राणुओं के बनने में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। या फिर जिनके शुक्राणु तो ठीक ढंग से बनते हैं, पर किसी ब्लॉकेज की वजह से इजैकुलेशन में बाहर नहीं निकल पाते, इसे ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। एजोस्पर्मिया होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वेरिकोसील इफेक्ट, कैंसर के लिए ट्रीटमेंट, जन्मजात नपुंसकता, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट, सिकल सेल एनीमिया, डिफेंडेड इफेक्ट्स, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, जन्म से ही वास डेफरेंस का ना होना, डायबिटीज मेलिटस, किडनी फेलियर, ट्यूमर, कैंसर आदि। एजोस्पर्मिया के इलाज के समय ये जरूरी होता है कि ये पता लगाया जाए कि उनके केस में एजोस्पर्मिया ब्लॉकेज की वजह से है या नहीं, क्योंकि अगर ये ब्लॉकेज की वजह से है तो इसका इलाज के लिए माइक्रोसर्जरी की जा सकती है। अगर आपके टेस्टिस की बायोप्सी या फिर FNA मैपिंग से ये पता चलता है कि आपके शुक्राणु नॉर्मल तरीके से बन रहे हैं और आपको एजोस्पर्मिया किसी ब्लॉकेज की वजह से है, तो माइक्रोसर्जरी द्वारा ब्लॉकिंग की जगह का पता लगाकर उसे रिपेयर किया जाता है और इस प्रक्रिया का सक्सेस रेशियो भी बहुत ज्यादा है। पर हाँ, अगर डायग्नोसिस में ये पता चले कि आपको बिना ब्लॉकेज वाले एजोस्पर्मिया है, तो फिर आपके शुक्राणुओं के बनने में ही कोई प्रॉब्लम है। कुछ केसेस में तो इसका मेडिकली इलाज संभव है, पर ज्यादातर केसेस में अगर आपको पिता बनना है, तो इसका एकमात्र उपाय यह है कि आपके अंडकोश से स्पर्म को IVF या ICSI के लिए निकाला जाए। पर इस तरह के नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में प्रॉब्लम यह है कि इसमें अंडकोश से स्पर्म को निकाल पाना बेहद मुश्किल होता है, साथ ही आपके मेडिकल टेस्ट से ये पता लगाना भी मुश्किल होता है कि आपके अंडकोश से स्पर्म निकल पाएंगे भी या नहीं। आपको मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के बारे में बताया था, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी और देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अवस्था में माइक्रोसर्जरी के द्वारा आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, पर आपको अगर कोई जन्मजात विषमता है, जैसे कि कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ वास डेफरेंस, यानी कि अंडकोश से स्पर्म को बाहर निकालने वाली ट्यूब, जिसे वास डेफरेंस भी कहते हैं, उनका विकास नहीं हुआ है, तब भी आपको एजोस्पर्मिया हो सकता है और इसे माइक्रोसर्जरी के द्वारा भी ठीक नहीं किया जा सकता। इस केस में आपके स्पर्म को अंडकोश से ही निकाला जाता है और IVF या फिर ICSI के द्वारा पिता भी बन सकते हैं। इसका सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा है और इससे आपकी सेक्स लाइफ पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे व्यूअर को मैं ये कहना चाहूंगी कि वो किसी अच्छे रेपुटेड फर्टिलिटी सेंटर में जाकर पहले ये कंफर्म कर लें कि उन्हें किस प्रकार का एजोस्पर्मिया है। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो फिर सही ट्रीटमेंट से आपके पिता बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। पर हाँ, अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। आजकल बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। ऐसे केसेस में अगर आपके वीर्य में एक भी मैच्योर स्पर्म मिल जाए, तो आपके पिता बनने के चांसेस जीरो नहीं रहेंगे। और हाँ, आपके डॉक्टर आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर आपके स्पर्म्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के उपाय भी आपको बता सकते हैं। आपके केस स्टडी के मुताबिक ये भी पॉसिबल है कि आपको हार्मोन थेरेपी दी जाए, और अगर आपकी इनफर्टिलिटी का कारण वेरिकोसील है, तो आपको वेरिकोसिलेक्टमी भी डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। पर ये सब तभी हो पाएगा जब आपकी पूरी डॉक्टरी जांच कर ली जाएगी, तो फिर बिना किसी देरी के किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक के जरिए बहुत से लोगों को जानकारी मिली होगी और लाभ भी हुआ होगा। अगर ऐसे ही आपकी भी कुछ समस्याएं हैं, तो हमें लिख भेजिए, हम अपने वीडियोस के जरिए उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। कैसे आ रहा हूं आप बताइए, क्या परेशानी है आपको? वो डॉक्टर, बात यह है कि मैं 2-3 महीने से नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा सीमेन बहुत पतला हो गया है, एकदम पानी जैसा। तो मुझे बस डर है कि मेरे पिता बनने के चांसेस ऐसे कम तो नहीं हो गए हैं। एज क्या होगी आपकी? जी, 25 साल है।
जो लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई परेशानी है, चाहे फिर वो शारीरिक है या मानसिक, वो हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप हमारे ईमेल आईडी पर लिखकर हमें भेज सकते हैं। और हाँ, हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।